दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिस्कस करेंगे टॉप 50। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, टॉप 50 साइबर अटैक के बारे में, ठीक है? तो फिर अगर इस वीडियो लेक्चर में आप नए हो, प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। तो 50 डॉस अटैक या फिर 50 साइबर अटैक्स क्या क्या है, और जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं, राइट, डिफरेंट साइबर अटैक्स इन रेफरेंस टू डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हम एक्चुअली पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में खासकर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ डू योर सब्सक्रिप्शन टू दिस साइबर टेक एजुकेशन चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। पहला है फिशिंग। सो वॉट एक्चुअली फिशिंग इज ऑल अबाउट? सो वेन वी डिस्कस अबाउट फिशिंग, राइट, इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट ए सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक। ओके, वाई इट इज़ कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक? बिकॉज द बेट, और यू कैन से द अटैक इज़ बीन परफॉर्म्ड बाई यूर ई मेल्स। ओके, वेदर इन द फॉर्म ऑफ यू नो, इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर फिशिंग और विसलिंग और वी कैन से वेलिंग और वी कैन से सिंपली ओके, सो विच बेसिकली टारगेट्स द सी लेवल एग्जीक्यूटिव, राइट? सो दोज ऑल थिंग्स कम्स इन टू रोल, दोज ऑल थिंग्स कम्स इन टू स्मिसिंग ऑल्सो यू कैन से, राइट, दोज ऑल थिंग्स कम्स इन टू प्ले वैन वी डिस्कस अबाउट फिशिंग अटैक। तो अगर हम डेफिनेशन को चले जाए या फिर डेफिनेशन ही पढ़े, तो अटैक इम्पर्सनेटिंग ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी, ओके, टू डिसीव द विक्टिम्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो देन आफ्टर डॉस अटैक, सो व्हाट एक्चुअली डॉस अटैक इज ऑल अबाउट? सो डॉस अटैक इज ऑल अबाउट वो ओवरवेलमिंग सिस्टम और नेटवर्क विथ एक्सेसिव ट्रैफिक और यू कैन से रिक्वेस्ट, ओके, मेकिंग इट अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओके डिनियल ऑफ सर्विस। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट वॉट ओवरवेलमिंग ए सिस्टम और नेटवर्क, ओके, विथ एक्सेसिव ट्रैफिक, ठीक है? तो फ्लॉड कर देना, ठीक है, डिफरेंट रिक्वेस्ट अटेम्प्ट करके, सर्वर को हैक करके, डिफरेंट एक ही कंप्यूटर को, मतलब सिस्टम जैसे कि ट्रैफिक जनरेट करता है, राइट? सो दैट्स बेसिकली जनरेट्स एक्सेसिव ट्रैफिक, ओके, टू अटेम्प्ट ओके मेकिंग इट अनअवेलेबल टू यूज एनी एप्लीकेशन ऑल्सो वी कैन इवन से। उसके बाद आता है डीडॉस, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डीनियल ऑफ सर्विस अटैक। सो इधर बेसिकली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीनियल ऑफ सर्विस अटैक में? सो सिमिलर टू डीडॉस, बट द अटैक इज लॉन्च्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है? तो मल्टीपल सोर्सेस से एक्चुअली वो लॉन्च होता है एक स्पेसिफिक टारगेटेड सिस्टम्स को, ठीक है? लेकिन डॉस अटैक में बेसिकली एक ही सिस्टम को टारगेट करते हैं, राइट? सो बट इन द सेंस ऑफ डीडॉस में क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स M1, M2, M3, M4, तो मल्टीपल सिस्टम्स क्या करते हैं, एक ही सिस्टम्स को या फिर एक ही टारगेटेड होस्ट को टारगेट करके अपना अटैक स्टिमुलेट करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं, उसको ही हम डीडॉस अटैक बोलते हैं, राइट? उसके बाद मैन इन द मिडिल अटैक और मिटिम अटैक। सो इंटरसेप्टिंग ओके एंड अलर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज, ओके, अलाउिंग द अटैकर टू ईवर ड्रॉप और मैनिपुलेट द डाटा, ठीक है? पर्सन ए, लेट मी टेक, ठीक है, पर्सन ए, ठीक है, उसके बाद पर्सन बी, तो ए एंड बी हुआ है, ठीक है? तो ए को इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, बी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि एक थ्रेट एक्टर है जो कि परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी, ईवर ड्रॉप कर रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है डाटा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मिटिम अटैक और मैन इन द मिडिल अटैक। उसके बाद आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअली क्या है? तो बेसिकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट, तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन डाटाबेस लेयर, ओके, टू एग्जीक्यूट मलिशियस एसक्यूएल कमांड्स, ओके, पोटेंशियली लाइक गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेसेस और मैनिपुलेटिंग द डाटा, ठीक है? उसको ही हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि पहले दोहरा देता हूँ, एक कोड इंजेक्शन में आता है, राइट? तो कोड इंजेक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ इंजेक्शन आता है, राइट? तो एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन, ठीक है, एक वेब ऐप है, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन में थ्रेट वल्नरेबिलिटी या फिर क्या, जैसे कि लूप होल्स भी हम मान सकते हैं,
या फिर सर्टेन काइंड ऑफ अन सर्टेन काइंड ऑफ की आई कैन से की होल्स आल्सो यू कैन से. सो की होल्स इन द सेंस वल्नरेबिलिटीज. ओके सो एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशन डाटाबेस लेयर. ओके डाटाबेस लेयर टू एग्जीक्यूट मलिशियस एसक्यूएल कमांड्स. ठीक है, मलिशियस एसक्यूएल कमांड करने के लिए एक्सप्लोइट करते हैं वेब एप्लीकेशन को. पोटेंशियली गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन. उसके बाद आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. सो व्हाट एक्चुअली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट. तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में बेसिकली क्या होता है फोक्स, कि इंजेक्टिंग मलिशियस स्क्रिप्ट इन टू वेब पेज टू एग्जीक्यूट ए विक्टिम्स ब्राउजर. ओके ऑफन अलाउविंग द अटैकर टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और टू कंट्रोल यूजर सेशन, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्ट करता है मलिशियस स्क्रिप्ट्स, ठीक है, एक वेब पेज में जिसको हम मानते हैं कि वो लेजिटिमेट है. जब हम विजिट करते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ मालवेयर या सर्टेन काइंड ऑफ फाइल एक्चुअली हमारा सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, राइट. सो हियर हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. ओके फोक्स, सो टू एग्जीक्यूट इन विक्टिम्स ब्राउजर, सो ऑफन अलाउविंग द अटैकर टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल द यूजर सेशन यूजर सेक्शंस, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. उसके बाद होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी. ओके CSRF हम मानते हैं या फिर बोलते हैं इसको क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी. तो इसमें क्या होता है कि फोर्सिंग द विक्टिम्स ब्राउजर टू सेंड अनऑथराइज रिक्वेस्ट ओके टू ए वल्नरेबल सिस्टम. ओके पोटेंशियली लीडिंग टू एक्शन परफॉर्म्ड ऑन देयर बिहाफ विदाउट देयर कंसेंट, उसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी. और CSRF भी हम मानते हैं या फिर बोलते हैं फोक्स. ओके तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट, फोर्सिंग द विक्टिम्स ब्राउजर टू सेंड अनऑथराइज रिक्वेस्ट टू ए वल्नरेबल वेबसाइट पोटेंशियली लीडिंग टू एक्शन परफॉर्म ऑन देयर बिहाफ विदाउट देयर कंसेंट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. तो इस दोनों में क्या अंतर है, पहला है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम बोलते हैं ZSS. ओके उसके बाद आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी. तो इसमें बेसिकली क्या अंतर है कि इंजेक्टिंग मलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेब पेज टू एग्जीक्यूट द विक्टिम्स ब्राउजर ऑफन अलाउविंग द अटैकर टू स्टील द इंफॉर्मेशन. इसमें फॉरजरी में क्या होता है कि फोर्सिंग द विक्टिम्स ब्राउजर टू सेंड अनऑथराइज रिक्वेस्ट टू ए वल्नरेबल वेबसाइट ओके पोटेंशियली लीडिंग टू एक्शन परफॉर्म्ड ऑन देयर बिहाफ विदाउट कंसेंट. ठीक है, एक सर्टेन सिस्टम है, ठीक है, उसको फोर्स करते हैं, ठीक है, फोर्जरी फोर्स करते हैं कि अनलेजिटिमेट वेबसाइट को चले जाए, ठीक है, उसका वल्नरेबिलिटीज पहचाने और जो कि परफॉर्म करे अनलेजिटिमेट एक्टिविटी, ठीक है, इसका अंतर ना हो पाए विदाउट देयर इंटरफेरेंस और विदाउट देयर कंसर्न और विदाउट देयर इंटेंशन और विदाउट देयर प्रेजेंस. ठीक है, वो सब कुछ करने लगते हैं, उसको ही हम बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी. ठीक है, डिफरेंस है. उसके बाद आता है 8th नंबर, दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रूट फोर्स. तो ब्रूट फोर्स बेसिकली क्या होता है फोर्स, तो जब हम डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, तो रिपीटेडली अटेम्प्टिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ओके ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू ए सिस्टम और इवन वी कैन से अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि repeatedly attempting various combination of यूजर नेम, ठीक है, या फिर नहीं तो पासवर्ड, ठीक है, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, ई एफ. ओके तो ए कॉम्बिनेशन बेसिकली यूज करके ब्रूट फोर्स अटैक करने लगते हैं फोक्स. उसके बाद आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक या फिर सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक में तो मैनिपुलेटिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी टू डिसीव द इंडिविजुअल इनटू इंडल्जिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और बाय परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक. उसके बाद आता है रैनसमवेयर. तो एक्चुअली रैनसमवेयर अटैक क्या होता है, तो रैनसमवेयर इज़ ऑल अबाउट मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इनक्रिप्ट द विक्टिम्स फाइल ओके डिमांडिंग ए रैनसम पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ डिक्रिप्शन की. ओके सो इसको बोलते हैं हम रैनसमवेयर. ओके फॉक्स, उसके बाद आता है मालवेयर.
तो मालवेयर इज़ ऑल अबाउट जनरल टर्म्स फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर, ओके, इंक्लूडिंग वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन एंड स्पाइवेयर डिजाइन्स टू हार्म और एक्सप्लॉइट द सिस्टम और स्टील द इंफॉर्मेशन. सो दैट्स बेसिकली कम्स अंडर द रोल ऑफ मालवेयर. सो मालवेयर इज इन द टाइप ऑफ सॉरी रैंसमवेयर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मालवेयर फॉक्स, ओके. सो वेयर द विक्टिम्स बेसिकली वॉट एक्चुअली डज इज दैट the targeter or the threat actor basically encrypts the file and he demands a ransomware payment for decryption key, okay. So that's how actually it works in exchange of wo malware mein basically kya hota hai, in general terms malicious software including virus ho gaya, trojan, worms, spyware designed to harm and exploit system or steal information, isko hum basically hum bolte hain malware, okay. तो उसके बाद आता है हमारा जीरो डे एक्सप्लॉइट. तो बेसिकली जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या है, तो जीरो डे एक्सप्लॉइट मतलब जब भी हम एक सर्टेन प्रोडक्ट प्रोडक्शन में ना आने से पहले ही वल्नरेबिलिटीज़ का एग्जीक्यूशन कर दे, थ्रेट एक्टर उसको कंप्रोमाइज करके, थ्रेट एक्टर उसको बेसिकली अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट्स करके उसका प्रेजेंस रख देता है, राइट, APT, ओके, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है, अपना प्रेजेंस रख देता है, उसको ही हम जीरो डे वल्नरेबिलिटीज मानते हैं. लेट डेफिनेशन के अगर मान लें या फिर डेफिनेशन भी पढ़ाई कर लें, लिवरेजिंग ए वल्नरेबिलिटी इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट द डेवलपर आर अनअवेयर ऑफ, ओके, गिविंग द अटैकर एन एडवांटेज बिफोर अ पैच और फिक्स इन अवेलेबल, ओके. तो इसको ही हम बोलते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट. उसके बाद आता है बफर ओवरफ्लो. तो बफर ओवरफ्लो क्या होता है, तो ओवरलोडिंग ए प्रोग्राम, ठीक है, तो ओवरलोडिंग ए प्रोग्राम मेमोरी बफर टू एग्जीक्यूट आर्बिटरी कोड पोटेंशियली अलाउइंग द अटैकर टू गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम, उसको हम बोलते हैं बफर ओवरफ्लो फॉक्स. तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ओवरलोडिंग ए प्रोग्राम मेमोरी बफर टू एग्जीक्यूट आर्बिटरी कोड. तो इसमें हमको एक डाउट आएगा, सर बफर ओवरफ्लो और उसके बाद डीडॉस अटैक दोनों सेम है क्या? डीडॉस अटैक में ट्रैफिक जनरेट होता है फोक्स, मल्टीपल अटेम्प्ट या फिर मल्टीपल टारगेट्स या फिर मल्टीपल थ्रेट एक्टर मल्टीपल सिस्टम से एक टारगेटेड होस्ट को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मलिशियस रिक्वेस्ट, ये नहीं तो वो नहीं तो मतलब अपना मतलब फ्लड कर देते हैं इतना ट्रैफिक. सो ट्रैफिक ट्रैफिक बोलते हैं क्या ट्रैफिक है सर, वो एक्चुअली मलिशियस ट्रैफिक्स होता है फोक्स. जब भी अपना अटेम्प्ट करने लगते हैं फोक्स, उसको मलिशियस ट्रैफिक फ्लोट करने लगते हैं, जिसके हिसाब से नंबर ऑफ सिस्टम्स क्या होता है डैमेज होता है या फिर इनएक्सेसिबल हो जाता है, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज हम बोलें तो फोक्स, ओके. उसके बाद आता है ईवर ड्रॉपिंग. तो ईवर ड्रॉपिंग क्या है फोक्स, सो इंटरसेप्टिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम ईवर ड्रॉपिंग. इंटरसेप्टिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो बफर ओवरफ्लो में एक्चुअली क्या होता है कि जस्ट मैं सिंपल मोला बोलूँगा, जब बफर ओवरफ्लो में एक आर्बिटरी कोड एग्जीक्यूट होने लगता है पोटेंशियली अलाउिंग द अटैकर टू गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम, ठीक है, ओवरलोड कर देते हैं मेमोरी को, ओवरलोडिंग प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, बफर टू एग्जीक्यूट आर्बिटरी कोड. उसके बाद होता है ईवर ड्रॉपिंग. तो आर्बिटरी कोड इज ऑल अबाउट XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड हम और एक की क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये हम पढ़े थे, राइट, सर्टेन काइंड ऑफ इंजेक्शन कर ले लगते हैं, राइट. सो दैट बेसिकली कम्स इन टू रोल फॉक्स, ओके. तो उसके बाद आता है हमारा ईवर ड्रॉपिंग. तो ईवर ड्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है कि इंटरसेप्टिंग एंड मॉनिटरिंग द नेटवर्क कम्युनिकेशन टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक सर्टेन काइंड ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, मॉनिटर करने लगते हैं या फिर परफॉर्म करने लगते हैं, जिसके हिसाब से आर्बिट्री कोड कमांड एग्जीक्यूशन होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, उलट पुलट होता है, उसको ही हम बोलते हैं ईवर ड्रॉपिंग. दो लास्ट 15, 16, 17 हम पढ़ेंगे और दूसरा वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन डिटेल बाकी जो अटैक्स है, राइट, 50 अटैक्स. तो ईवर ड्रॉपिंग, उसके बाद फॉर्मिंग, तो रिडायरेक्टिंग विक्टिम्स टू फेक वेबसाइट, ओके. तो इसमें आ गया स्नूफिंग अटैक, ठीक है, फेक वेबसाइट्स या फिर सॉरी फॉक्स, स्नूफिंग इज जस्ट डिफरेंट, ठीक है. तो फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि फेक वेबसाइट को रिक्वेस्ट डायरेक्ट करके
often through DNS poisoning, ठीक है, टू डिसीव देम इनटू एंटरिंग द क्रेडेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जस्ट अ काइंड ऑफ फिशिंग भी अमाउंट है, क्लिक जैकिंग, तो ट्रिकिंग द यूजर इनटू क्लिकिंग ऑन हिडन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट ऑन वेबसाइट पोटेंशियली लीडिंग टू अन, ठीक है, एक क्लिक, जस्ट वन क्लिक विल लीड टू डिवास्टेशन, ओके, उसको बोलते हैं क्लिक जैकिंग. पासवर्ड क्रैकिंग यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू डिस्कवर और कस्ट पासवर्ड सच एज ब्रूट फोर्सिंग, डायरेक्टरी अटैक और रेनबो टेबल लुकअप, उसको बोलते हैं पासवर्ड क्रैकिंग अटैक, ठीक है, ब्रूट फोर्स हो गया, उसके बाद डिक्शनरी अटैक हो गया, रेनबो अटैक हो गया, ए नहीं तो वो, ओ नहीं तो और एक, ठीक है, तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. सो इन द अपकमिंग वीडियो विल बी हैविंग एन एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑन rest of the top 50 cyber attacks, okay.